देखिए बेटा, इसमें आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच। ठीक है, ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आप सबसे पहले आर इक्विवेलेंट के क्वेश्चन में यही करेंगे। वेरी गुड, मैक्सिम ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है सलोनी, वेरी गुड बेटा। ए और बी के बीच आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट के बहुत सारे तरीके देखेंगे अपन, बट सबसे पहला यही है कि आप सीरीज पैरेलल को समझें कि कोई डायरेक्ट सीरीज पैरेलल में तो नहीं है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ए से डी तक और इस वाली ब्रांच में ऐसा हो ही नहीं सकता कि करंट अलग हो जाए, समझ रहे हो? इस वाली ब्रांच में ऐसा हो ही नहीं सकता कि करंट अलग हो जाए। ठीक है सुप्रिया, गुड बेटा। इस ब्रांच में ऐसा हो ही नहीं सकता करंट अलग हो जाए। तो आप इसमें 3 ओम है तो इसमें भी 3 होगा, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इसका बताइए। अरे ले लिए थे मैंने, ये ले ली मैंने सुबह। ए और बी, ए और सी के बीच कितना आएगा? ए और सी के बीच एक तो 6 लग रहा है, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 3 × 3 = 6 हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, ये 6 आ जाएगा आपका, और बाकी फिर ऐसे ही रखे रहने दीजिए अभी, बाकी से अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट ये देखिए फिर से, अब आपका 6 और 6 किस में आ गए? अब ए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी ए माइनस वी सी, और ऐसे नाम रख दिया करें, काफी जल्दी पोटेंशियल डिफरेंस दिख जाता है। और इसके अक्रॉस कितना है? वी ए माइनस वी सी। तो आपकी ये 6 और ये 6 किस में हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे, दो सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में। तो R1 R2 / R1 + R2 लगाइए, वापस कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो सी से ए के बीच क्या लग जाएगा? मतलब 6 और 6 का पैरेलल कितना आ जाएगा? 3 ओम आ जाएगा। आर और आर है तो पैरेलल कितना हो जाता है? R/2। तो यहाँ पर ए और सी के बीच 3 लग जाएगा। ठीक है, फिर सी से ई के बीच देखो अब आप कैसा ऐसा है, और बाकी फिर ऐसे सर्किट बन रहा है आपका। लेकिन अब फिर से देखो, ए से सी और सी से ई में ऐसा नहीं हो सकता, तो हटाते जाएंगे बेटा। इन दोनों को हटा के मैंने 6 बना लिया, और 6 और 6 को मिला के यहाँ पर 3 लगा दिया। तो मैं ऐसे आगे बढ़ता जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 था, ये 3 के साथ मिलकर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह 6 लग गया। अब ये पूरा 6 और ये 6 मिलके ए से ई के बीच कितना आ जाएगा? फिर से पैरेलल में आ गए ना 6 और ये 6, तो ये 3 आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ए से ई के बीच, और आगे क्या है? आगे फिर ये इस तरह का है, 3 और 1 और 6 है। ठीक है, और ये भी 3 है, बी ये आपका 1 और 3, इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो ए से ई के भी ये 3 और 3 मिलके फिर 6 हो जाएगा, इसके 6 और 6 के साथ मिलकर वे फिर से 3 हो जाएगा। नहीं, ये आपके सीरीज में है, 6 और 6 कितना हो गया? 3 हो गया। तो फिर क्या आ गया? फिर ध्यान से ड्रॉ करो इसको, पूरे को हटा दो, 3 लगा दो इसकी जगह। ठीक है, और ये आपका बी है ही, और फिर इसके साथ जब हटा दिया आपने, 3 लगा दिया, तो इसके आगे 1 और 3 है, इस तरह की सिचुएशन। ऐसा है, देखो ये बी है आपका, ये ए है। ठीक है ना, पहले आपने इन दोनों को 6 और 6 की जगह 3 लगा दिया, ए और ई के बीच। अब बाकी सर्किट ड्रॉ कर दिया, ये 3 और 3 = 6, 6 और 6 मिलके फिर से 3, ये वाला 3 इधर एज इट इज आ गया, और इधर जो 3 था ए से बी के बीच वो रह गया। अब ए से बी के बीच ये फिर से सीरीज में आ गए, देखो आप ध्यान से। ठीक है, 3 और 3 = 6 आ गए, 6 और 3 मिलके क्या बन जाएंगे? अब 6 और 3 पैरेलल में आ गए, अब बात खत्म हो गई बस। अब आपको दिख गया ए और बी के बीच 2 ही रेजिस्टेंस बचे हैं, सारे हटते चले गए, और इधर 6 है, ये कितना है? 3 है। तो आर ए बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 6 3 + 6, तो 18/9 = 2 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो सीरीज पैरेलल सबसे पहले देखे जाते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो बार बार यूज करने वाले हैं अपन, कि पैरेलल सर्किट में, पैरेलल में करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है ना, जबकि दो पैरेलल में आ रहे हैं, तो आप करंट में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे इस चीजों को, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, आगे फिर कोई नहीं पूछना चाहिए सर मैंने कैसे लिख दिया है। ठीक है ना, वो बात नहीं आनी चाहिए। तो देखिए आप इस तरह का, अगर मान लो सर्किट है आपका, ये आपका R1 है, और इस तरह से आपका R2 R3 लग रहे हैं, ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3। ठीक है, और इधर आपने बैटरी लगा दी,
ध्यान से देखेंगे बेटा। तो आपको I2 I3 निकालना है, सारा ही निकाल दो। मान लो इधर I1 मान लिए, डिस्ट्रीब्यूट होके I2 I3 में चली गई, ठीक है ना। तो आपसे मैं यही पूछ रहा हूँ, आपने इक्विवेलेंट पढ़ाया अभी अभी, उन सब के बेसिस पर कि ये कितना होगा, I1 I2 I3 कितनी होगी, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, इन सबको हटा के एक सिंगल सीरीज बना दीजिए, ठीक है ना। आप इनको हटा के सबको क्या एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बताइए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको बना के इधर तो R1 लग जाएगा और R2 R3 पैरेलल में है, तो आप उसको हटा के क्या बना देंगे, R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3 बना देंगे, ठीक है ना। तो अब ये I1 निकल जाएगी आपके, I1 कितनी आ जाएगी, E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया इस पूरे की जगह, सीरीज में हो गया अभी, तो ये पूरा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, ये आपके I1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब I1 की टर्म में क्या I2 I3 लिख सकते हैं क्या, बताओ। देखो आप ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या क्रॉस सेम है, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा आपका, I2 into R2 अगर R3 के क्रॉस, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या बोल सकते हो, I2 R2 इक्वल टू I3 R3, ठीक है। मतलब आपके करंट का रेशियो I2 अपॉन I R3 कितना आ गया, R3 अपॉन R2 आ गया। तो इसको इतना लिख के करने की जरूरत आगे से नहीं पढ़नी चाहिए, फटाफट पता होना चाहिए आपको कि दोनों क्या है, ये पैरेलल में, तो इनमें जो करंट, मान लो यहाँ से I1 आ रही है, सुन रहे बेटा ध्यान से, इधर से I1 आ रही है, ये कितना था आपका R2 R3, तो फटाफट रेशियो में डिवाइड करेंगे। आपको पता है I2 R3 का रेशियो कितना होगा, R3 रेशियो R2, तो आप इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर देंगे इसको हमेशा, ठीक है ना। तो इसलिए I2 कितना हो जाएगा आपका, R3 अपॉन, मम्मा प्लीज चुप कराओ इसको यार, मम्मा मम्मा I2 कितना हो जाएगा, R3 अपॉन R3 प्लस R2, R3 अपॉन R3 प्लस R2 into I1। I1 को आपने रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ये जल्दी से लिखेंगे बेटा, रेशियो में आना चाहिए। देखो R2 R3 उल्टा रेशियो R3 रेशियो R2, तो किसी भी चीज को R3 रेशियो R2 में कैसे डिवाइड करेंगे, R3 अपॉन R3 प्लस R2 into टोटल चीज कितनी है, तो कितनी थी टोटल करंट I1, इसमें से कितनी जाएगी I3, वो R2 आएगा इधर, ठीक है ना। क्योंकि इसका रेशियो और रेजिस्टेंस का इनवर्स रेशियो, इसमें से हो गई R3 अपॉन R3 प्लस R2 into I1, इसमें से कितनी होगी, R2 अपॉन R2 प्लस R3 into I1, ठीक है ना। टोटल करके देख लो, टोटल I2 प्लस I3 I1 आना चाहिए वहां, ठीक है ना। I2 बाई I3 कितना आ रहा है, R3 अपॉन R2 आ रहा है। तो इस तरह से बहुत फ्रिक्वेंटली हम KVL लिखने में ये चीज यूज कर लेंगे, ठीक है ना। एक दो इक्विवेलेंट के क्वेश्चन और देख सकते हैं, जैसे आपसे ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इस तरह के 3 रेजिस्टेंस देके बोला जाए, ये 3 रेजिस्टेंस हैं और आपने ऊपर एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, और आपने यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है ना। ये आपका ए और बी के बीच रेजिस्टेंस निकालना है, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 1। तो आपको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है ना। फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। सही बताया आप लोगों ने, 3, 6 और 1 है, ये 3 ओम है, 6 ओम है, 1 ओम है। तो कैसे करते हैं, अब ये देखा करो बेटा, यहाँ से यहाँ तक कोई ड्रॉप नहीं है, देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक कोई ड्रॉप नहीं है, 2 बाई 3 आएगा। सलोनी बिल्कुल सही बताया आपने, विनम्र ठीक है आपका, यहाँ से यहाँ तक कोई ड्रॉप नहीं है, ये आपका ए है, तो हर जगह पोटेंशियल क्या है, ए है, तो इसलिए यहाँ पर मैं फिर से ए लिख दूंगा, ठीक है। तो VA VA पोटेंशियल है, इन कनेक्टिंग वायर्स में कोई ड्रॉप नहीं होती है बेटा। यहाँ पर B है, तो
तो इसलिए ये सब जगह भी कोई ड्रॉप नहीं है, कोई रेजिस्टेंस, कोई बैटरी कुछ नहीं आई, तो इसलिए यहाँ पर मैं वी भी लिख दूँ, ठीक है ना। अब आप देख लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी ए माइनस वी बी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी ए माइनस वी बी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी ए माइनस वी बी। इसका मतलब ए और बी के बीच तीनों रेजिस्टेंस किस में आ जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने की वजह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए ए और बी के बीच तीनों रेजिस्टेंस किस में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/1। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा आपका, 2/3 ओम आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2/3 ओम आ जाएगा, ठीक है। फिर आपसे एक लेटर ए का रेजिस्टेंस निकाल रखा है, नोट्स में आंसर भी गिवेन है, तो आप चेक कर लेना मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये आपका लेक्चर नंबर 4 रहेगा, एकदम बेसिक लॉ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केवीएल पर बेस्ड है, ठीक है।